अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है ज्यूरिडिक्शन ऑफ सेकंड मैरिज कंप्लेंट। अगर किसी का हस्बैंड दूसरी शादी कर लेता है और बीवी चाहती है कि मैं कंप्लेन करना चाहती हूँ, तो किस तरीके से कंप्लेन करते हैं। आमतौर पर जो हम देखते हैं जो क्रिमिनल कंप्लेंट होती है वो सेक्शन 200 में हम मजिस्ट्रेट के पास, जो हमारा कंसर्न मजिस्ट्रेट होता है जिस इलाके में रहते हैं, अगर हमारी FIR दर्ज नहीं होती तो हम उस मजिस्ट्रेट के पास उसकी कंप्लेंट फाइल करते हैं। और जो कि तरीकेकार 200 से लेकर 284 RPC में दिया गया, उसके तहत हम जो कंप्लेंट फाइल करते हैं मजिस्ट्रेट के पास। अगर हम बात करते हैं दूसरी शादी की, किसी के हस्बैंड ने दूसरी शादी कर दी है और वो इस हद तक वो बदल लेना चाहती है, वो कहती है चूंकि इसने मेरे से इजाज़त नहीं ली, मैं इसके खिलाफ आगे किस करूँगी, मैं कंप्लेंट करूँगी। अगर हम देखते हैं तो किस तरीके से कंप्लेन कर सकती है एक बीवी अगर खावंद बगैर इजाज़त के दूसरी शादी करता है, तो अंडर सेक्शन 6 है मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 1961 का, जो कि वो कहता है कि पॉलीगैमी एक जुर्म है मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस का, उसके तहत सेक्शन के तहत जो दूसरी शादी वो जुर्म है। नो मैन लाया कहता है, नो मैन ड्यूरिंग द सब्सटेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग मैरिज शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस परमिशन इन राइटिंग ऑफ द जो आर्बिट्रेशन काउंसिल कॉन्ट्रैक्ट एन अदर मैरिज, nor shall any such marriage contracted without such permission be registered under the ordinance। वो ये कहता है सेक्शन 6 कहता है कि पॉलीगैमी, अगर आपकी शादी पहले से मौजूद है, पहले बीवी की मौजूदगी में आर्बिट्रेशन काउंसिल से आपने इजाजत लिए बगैर, यूनियन काउंसिल से इजाजत लिए बगैर दूसरी शादी करते हैं तो एक जुर्म है और आपको इस पर सजा दी जा सकती है। इस पर सजा कितनी है अगर हम देखते हैं, 1 साल सजा है और 5,000 रुपये जुर्माना। सेक्शन 5 सब सेक्शन 5 का बी है, 2015 में इसमें अमेंडमेंट की गई, एक साल सजा और 5,000 रुपये जुर्माना सेक्शन 5 बी में, उसके तहत जो है वो उसको सजा जो है वो सेक्शन 5 के तहत उसको ये सजा में इजाफा किया गया 2015 के मुताबिक, और जुर्माना 5,000 रुपये कर दिया गया है। इस पर बहुत सी रूलिंग्स भी हैं वो हम आपको दे सकते हैं। 2022 है, YLR पेज 1920 है, PLJ 2022 है, क्रिमिनल केसेस 257 पेज है। कंप्लेंट मस्ट बी फाइल्ड बिफोर द फैमिली कोर्ट, ये भी याद रखें। पहले जो आम कंप्लेंट होती है वो हम फाइल करते हैं जज के पास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, मगर दूसरी शादी की जो कंप्लेंट होगी वो फाइल होगी बिफोर द फैमिली जज, फैमिली जज के पास ऐसी कंप्लेंट फाइल की जाएगी। जबकि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसको इजाज़त नहीं है, उसकी ज्यूरिडिक्शन नहीं बनती, हम मजिस्ट्रेट के पास ऐसी तरह की कंप्लेंट दूसरी शादी की फाइल नहीं कर सकते। दूसरी शादी चूँकि क्रिमिनल केस है, वो अगरचे क्रिमिनल केस जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुनता है, मगर दूसरी शादी की जो कंप्लेंट है वो हम फैमिली जज के पास फाइल कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर, इसके साथ इजाज़त कर फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।